झारखंड के बोकारो के रहने वाले सीके ठाकुर राजनीति के साथ साथ अपनी अलग पहचान बनाने के लिए फिल्म में भी नजर आएंगे। आपको बताते चले कि 12 जुलाई को सीके की प्रेम कहानी रिलीज होने वाली है। सीके ठाकुर एक नेता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के कई पदों पर रहे हैं, हाल ही में बॉलीवुड अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गए हैं। वे अवार्ड मिलने से न केवल उत्साहित हैं बल्कि झारखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। उन्हें यह अवार्ड राज फिल्म प्रोडक्शन द्वारा दी गई है। मालूम हो कि सीके ठाकुर ने झारखंड में एक फिल्म बनाई जो प्रेम कहानी पर आधारित है, जो प्रेम कहानी से शुरू होती है जिसका अंत आतंकवाद के खात्मे से होता है। इस फिल्म की खासियत है कि फिल्म निर्देशक से लेकर विलेन तक बोकारो के हैं। यह फिल्म बोकारो मॉल में 12 जुलाई को लग रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों के प्रति आभार जताया है। आज आपको जो सम्मानित किया गया है फिल्म अवार्ड के द्वारा, कहाँ पे और किस तरह? जी, बॉलीवुड अचीवमेंट अवार्ड जो है ये राज फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा मुंबई में आयोजित हुआ था 27 तारीख को। उसमें सोनू सूद के हाथों से मुझे मिला है और ये फिल्म सीके की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्टर मैंने डेब्यू एक्टर के लिए मिला है। तो इसलिए मुंबई में हम अभी गए थे और कल रात को ही लौटे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रोमांचित था वो क्षण जब हम लोग इस अवार्ड को प्राप्त कर रहे थे कि झारखंड में भी, वहाँ लोगों ने कहा कि झारखंड में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो फिल्म बनाया, झारखंड की भूमि पे, झारखंड की धरती पे हमने बनाया ये पिक्चर। तो इस पिक्चर के लिए जो अवार्ड मिला है इसके लिए हम पूरे टीम को बधाई देते हैं, जो हमारे साथ हम काम किया, जो हमारे साथ फीमेल हीरोइन के लिए काम किया वो अनुषा शर्मा जी, भौजीवुड के मतलब कि भोजपुरी के जो जाने माने हास्य कलाकार आनंद मोहन जी हैं, उसके बाद फिर संजय महानंद जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, संजू बाबा जो संजय सिंह जो बैरमो से बिलोंग करते हैं, उन्होंने विलन का काम किया। हम तमाम टीम को यहाँ बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि लोगों ने यहाँ काम किया और फिल्म को इस मुकाम तक लाया कि आज अवार्ड के लिए वहाँ नॉमिनेट हुए थे हम लोग और वहाँ गए और ये अवार्ड मिल करके बेस्ट डेब्यू एक्टर के रूप में। तो हम आप लोगों के माध्यम से तमाम सारे साथी को, फिल्म का थीम क्या है? फिल्म का थीम है कि एक प्रेम कहानी से शुरू होता है और प्रेम कहानी होते हैं तो जो भारत के आतंकवादी हैं, भारत में जो आतंकवादी प्रवेश करते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी, उसके साथ लड़ाई होती है और वो देश प्रेम में तब्दील हो जाता है, वो इस टाइप का है। तो ऐसी फिल्म है इसलिए वहाँ पर लोगों ने देखा और एक्ट में जो ये बेस्ट एक्टर के रूप में डेब्यू एक्टर के रूप में मिला उसके लिए पिक्चर बनी, ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड से कितना उत्साहित है? काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे झारखंड के कलाकार और भी लोग ऐसी फिल्में बनाएं, ऐसा काम करें और अपने आप को आगे बढ़े। ये फिल्म जो है 12 तारीख को लग रहा है बोकारो के मॉल में, वो आप लोग जरूर देखिए, सब लोगों को बुलाइए। यहाँ के युवक के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही है कि यहाँ के युवक जो काम करते हैं उसको अच्छे ढंग से काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हर क्षेत्र में संभावना है, बल्कि लोग ईमानदारी से काम करें तभी सब कुछ संभव है। नहीं तो आप चाहेंगे कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो ऐसा होता नहीं है। हर क्षेत्र में आप जब भी काम करें उसमें तल्लीन होकर के काम करें और ये भी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। आजकल YouTube जो है एक पूरा दुनिया ही खोल दिया है, लेकिन YouTube में भी ईमानदारी से काम करना है और ऐसा भी नहीं है कि YouTube में रह के लोगों को बर्बाद भी हो जाना है। बर्बादी का कोई सीन नहीं रखें आप लोग, मैं युवाओं से कह रहा हूँ ढंग से काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।